Assalamu alaikum student, BA English, third year, poem number 20. Say this city has 10 million souls. कहते हैं जी कि इस शहर की आबादी 10 million, यानी कि 1 करोड़ है. And this is about the city of New York. उस वक्त जब ये poem W.H. Auden ने लिखी थी, students, तो New York की जो population थी, that was 10 million. यानी कि 1 करोड़. अच्छा, अब उसने इस पोइम के अंदर ही टॉक्ड लेस अबाउट अबाउट द सिटी, ही टॉक्ड मोर अबाउट द प्लाइट एंड मिजरेबल कंडीशन ऑफ जर्मन ज्यूज, जर्मन ज्यूज हु माइग्रेटेड फ्रॉम जर्मनी इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द एट्रोसिटीज ऑफ हिटलर एंड दे माइग्रेटेड टू अमेरिका एंड दे try to settle in the big city like New York, but as a being refugees, their rights were not being recognized there. तो उनकी जो खस्ताहाली है, जो plight situation है, that is thoroughly projected in this poem. Say the city has 10 million soul. तो German Jews जो हैं, वो अपना मुल्क छोड़कर अमेरिका की तरफ आए हैं. लेकिन अमेरिका के अंदर भी उनको एज ए ह्यूमन उनके जो बेसिक राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे हैं और वो जो बेचारे हैं दे आर मूविंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, वो दर बदर के धक्के खा रहे हैं. दे आर नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ लिविंग बीइंग, यानी उनको वो लिविंग बीइंग जो है वो कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं. वो कहते हैं कि योर पासपोर्ट आर गॉन डेड, योर पासपोर्ट आर ऑल आर गॉन रफ, दे आर यूजलेस डॉक्यूमेंट्स. यानी अगर पासपोर्ट के ऊपर आप जो है ना वो उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर आपके पासपोर्ट जो हैं वो रफ़ हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, तो इन ऑफिशियल लैंग्वेज यू आर डेड एंड बीइंग डेड यू कांट इंजॉय द बेसिक राइट एज अ सिटीजन ऑफ अमेरिका. तो ये उनकी जो खस्ता हाली है उसको इस पोएम के अंदर जो है ना W.H. Auden ने प्रोजेक्ट किया है. वो जर्मन ज्यूज जो थे वो जर्मनी के अंदर भी जुल्म सितम का शिकार थे और जो वहाँ से अपनी ज़िंदगियाँ बचा के भागे थे अमेरिका में आए थे, तो वहाँ भी उनके साथ ज़्यादती की जा रही, उनको रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा. तो ये जो पोएम है ये एक किस्म का सटायर भी है जो अमेरिकन जो हैं, अमेरिकन जो सो कॉल्ड सिविलाइज्ड, अपने आप को कहते हैं कि वी आर द सिविलाइज नेशन, बट इन रियल दे आर सो कॉल्ड सिविलाइज नेशन. यानी वो एक बंदा जो है, जो लोग हैं वो बेचारे अपना घर बार छोड़ के आए हैं, वहाँ पे रहने के लिए आए हैं, लेकिन वो उनको भी किसी किस्म का प्रोटोकॉल नहीं दे रहे हैं. तो W.H. Auden ने इस नज़म के अंदर जो मिजरेबल कंडीशन ऑफ जर्मन ज्यूज है उसको प्रोजेक्ट किया है. तो हम अपनी पोएम शुरू करते हैं जी. से द सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल्स. सोल्स का मतलब यहाँ पे रूहें नहीं है, सोल का मतलब है SOULS, सोल्स. यानी यहाँ इसका मतलब है लिविंग बीइंग्स, बीइंग्स, इंसान. ठीक है, कहते हैं कि इस शहर की आबादी 1 करोड़ है. 10 मिलियन इज इक्वल टू वन करोड़, 1 करोड़. सम आर लिविंग इन मैंशन, सम आर लिविंग इन होल्स. कुछ महलों में रह रहे हैं और कुछ छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं. मैंशंस मैंशंस ब्यूटीफुल बिग हाउसेस, खूबसूरत बड़े बड़े घर, महलनुमा. और होल का मतलब यहाँ पे सुराख नहीं है, होल का मतलब जो है वो स्मॉल हाउसेस. सम आर लिविंग इन मैंशन, सम आर लिविंग इन होल्स. कुछ यानी 1 करोड़ की आबादी वाले शहर में कुछ बड़े बड़े घरों में रहते हैं और कुछ छोटे छोटे तंग घरों में रहते हैं.
Yet there is no place for us, my dear. Yet there is no place for us. लेकिन हमारे लिए जगह नहीं है, हमारे लिए जगह नहीं है. German Jews are saying that this New York City is very big city, and more than 1 crore people are living in this city. Some are living in big houses, some are living in small houses. But German Jews are not allowed to live in that city. जर्मन ज्यूज के लिए वहाँ पे जगह नहीं है, जर्मन ज्यूज को वहाँ पे रहने की इजाज़त नहीं है. वंस वी हैड अ कंट्री, अब वो अपने आप को अपनी शिनाख्त करवा रहे हैं. वंस वी हैड अ कंट्री, हमारा भी एक मुल्क था. एंड वी थॉट इट फेयर, और ये बड़ा खूबसूरत मुल्क था. इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल कंट्री. दे आर टॉकिंग अबाउट जर्मनी. लुक इन द एटलस, वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिकन्स को कोई डाउट है कि देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ आवर कंट्री इन दिस वर्ल्ड, तो वो कहते हैं लुक इन टू द एटलस. एटलस है जी मैप, बुक ऑफ मैप, एटलस, अब बुक ऑफ मैप्स यानी नक्शों की किताब, जिस पे पूरी दुनिया के जो दुनिया में जो मुल्क हैं उनके नक्शे जो हैं वो बने हुए हैं. वो कहते हैं कि अगर आपको कोई शक हो, अमेरिकन्स को कह रहे हैं जर्मन ज्यूज कि अगर आपको कोई शक हो तो जनाब आप एटलस निकाल के देखें, यू विल फाइंड इट देयर, आपको वहाँ पे जर्मनी जो है वो मिल जाएगा. वी कांट गो देयर नाउ माई डियर, वी कांट गो देयर नाउ, लेकिन अब हम वहाँ पे नहीं जा सकते, अब हमें वहां जाने की परमिशन नहीं है. बिकॉज ओवर देयर हिटलर इज रूलिंग नाउ, अब वहां पे हिटलर की जो नाजी पार्टी है उसकी हकूमत है. एंड हिटलर इज वेरी मच अगेंस्ट जर्मन ज्यूज, और हिटलर जो है वो जर्मन ज्यूज के बहुत ही ज्यादा मुखालिफ है. अब हम वहां पे नहीं जा सकते. इन द विलेज चर्च यार्ड, गांव, गांव के अंदर एक चर्च यार्ड है, यानी एक चर्च है, उसका सेहन है. देयर ग्रोज एन ओल्ड यू, वहाँ पे एक यू का दरख्त उगा हुआ है. वाई ई डब्ल्यू यू, अ काइंड ऑफ ट्री. वहाँ पे एक यू का दरख्त है. एवरी स्प्रिंग इट ब्लॉसम्स आर न्यू, और हर बहार, हर साल जब बहार आती है तो इसके ऊपर जो है वो फ्लावर लगते हैं, फूल लगते हैं, ये ब्लॉसम करता है, ये ब्लूम करता है. ओल्ड पासपोर्ट कांट डू डैट माई डियर, ओल्ड पासपोर्ट कांट डू डैट, लेकिन जब नेचर का ये प्रोसेस है कि हर साल के बाद जो है वो हर चीज़ रीन्यू हो जाती है, एक रीन्यूअल प्रोसेस ऑफ नेचर है, तो फिर ये इंसानों के जो बनाए हैं कवानीन और ज़ाबते, ये जो पासपोर्ट हैं ये ऑटोमेटिकली जो है वो रीन्यू क्यों नहीं हो सकते हैं? उनको रीन्यू करवाने के लिए कभी इधर कभी इधर, कभी इस ऑफिस में कभी उस ऑफिस में जाना पड़ता है. बट दे आर नॉट गिवन वार्म वेलकम्ड, दे आर नॉट गिवन बीइंग गिवन बेसिक राइट्स, उनके जो बुनियादी हकूक हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे हैं. ओल्ड पासपोर्ट कांट डू डैट माई डियर, ओल्ड पासपोर्ट कांट डू डैट. द कौंसल, कौंसल ये ऑफिसर, ऑफिसर की वो बात कर रहे हैं. सी ओ एन एस यू एल, कौंसल यानी उस ऑफिस का जो ऑफिसर था, ऑफिसर. द कौंसल बैंग्ड द टेबल, उसने जोर से टेबल को थपथपाया, उसने थपकी दी टेबल को, यानी गुस्से से जो मुक्का है वो टेबल के ऊपर मारा. बैंग, बैंग का मतलब है नॉक्ड, फोर्सफुली, यानी उसने जोर से टेबल को बजाया. बैंग्ड द टेबल, द कौंसल बैंग्ड द टेबल एंड सेड, और कहा, क्या कहा जी, इफ यू हैव गॉट नो पासपोर्ट यू आर ऑफिशियली डेड. जर्मन ज्यूज, इफ यू हैव नो पासपोर्ट, योर पासपोर्ट आर एक्सपायर्ड, इन ऑफिशियल लैंग्वेज यू आर डेड. आप ऑफिशियल लैंग्वेज में आप जिंदा नहीं हैं, और अगर आप जिंदा नहीं हैं
तो आप जो बेसिक राइट्स हैं उनको आप हासिल नहीं कर सकते हैं, ये वहाँ का जो ऑफिसर है ये उनसे कह रहा है। लेकिन जर्मन ज्यूज क्या कह रहे हैं, डब्ल्यू एच ऑर्डन कह रहे हैं, बट वी आर स्टिल अलाइव माई डियर, वी आर स्टिल अलाइव, हम तो अभी भी जिंदा हैं, जिंदा हैं तो उसके सामने खड़े हुए हैं। लेकिन वो हमें जिंदा नहीं देख रहा है, वो ऑफिशियली लैंग्वेज को देख रहे हैं कि अगर इनके पासपोर्ट एक्सपायर हैं तो ये डेड हैं। वो कहता है हम तो जिंदा उसके सामने खड़े हुए हैं। वेंट टू कमेटी, उसके बाद ये कमेटी में गए, दे ऑफर्ड मी अ चेयर, उन्होंने चेयर तो ऑफर की, यानी थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी, चेयर भी ऑफर की। आस्क मी पोलाइटली टू रिटर्न नेक्स्ट ईयर, और ऑफिसर ने बड़े आराम से कहा वी कांट डू योर वर्क नाउ, यू विल हैव टू कम नेक्स्ट ईयर। जनाब अब हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सकते हैं, अब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा कीजिए कि अगले साल आ जाइएगा। यानी व्हाट अ रिडिकुलस सिचुएशन, क्या मज़ाक़ खेज सिचुएशन है जी, कि अब उनको रिहाइश की अब ज़रूरत है, खाने पीने की अब ज़रूरत है, बेसिक जो नीड्स ऑफ लाइफ हैं उनकी अब ज़रूरत है, और वो ऑफिसर साहब मुस्कुरा के कह रहे हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अगले साल आ जाइएगा। बट वेयर शैल वी गो टू डे माई डियर, बट वेयर शैल वी गो टू डे, आज हम कहाँ जाएँ, अगले साल तो हम आ जाएंगे लेकिन अभी तो हमारा कुछ करें ना, अब हम क्या करें। अच्छा वहाँ से ये जर्मन ज्यूज जो हैं ये निकले, और फिर क्या, ये पब्लिक मीटिंग है, एक किसी सियासतदान का जलसा हो रहा है, अ पॉलिटिकल लीडर इज एड्रेसिंग टू अ लार्ज क्राउड, एक बहुत बड़े हजूम से वो एड्रेस कर रहा है, केम टू अ पब्लिक मीटिंग, पब्लिक मीटिंग जलसा, द स्पीकर, स्पीकर वहाँ का जो मुकर्रर था, वो जो पॉलिटिकल लीडर था, गॉट अप एंड सेड, वो उठा और उसने कहा If we let them in, they will steal our daily bread. अगर हमने जर्मन ज्यूज़ को अलाउड कर दिया कि ये अंदर आ जाएं, हमारे मुल्क में आ जाएं, हमने इनको अपने जो आइडेंटिफिकेशन इनकी कर दी, हमने इनके पासपोर्ट रिन्यू कर दिए, तो दे आर अ बर्डन ऑन आर इकॉनमी, तो ये हमारी मईशत के ऊपर जो है ना वो बर्डन होगा। स्टील का मतलब यहाँ पे जो स्टील का मतलब वैसे होता है चोरी करना, एस टी ई ए एल, स्टील, टू टेक अवे एनीथिंग सीक्रेटली, टू टेक अवे एनीथिंग सीक्रेटली, यानी चोरी कर लेना, स्टील। तो यहाँ इसका पूरा जो स्टूडेंट ये मतलब बनेगा ना, स्टील आर डेली ब्रेड, ये हमारा रोटी जो है, हमारा जो ब्रेड है उसको चोरी कर लेंगे, इसका मतलब ये है कि दे विल बी अ बर्डन ऑन आवर इकॉनमी, यानी ये हमारी मईशत के ऊपर जो है वो बोझ बन जाएंगे। ही वॉज टॉकिंग यू एंड मी माई डियर, वो किसी और की बातें नहीं कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट जर्मन ज्यूज, वो अमेरिकन्स की बातें नहीं कर रहा था, वो जर्मन ज्यूज की बातें कर रहा था। मतलब क्या है कि इनको हमने किसी भी सूरत में अमेरिका में रिहाइश पजीर नहीं होने देना। थॉट आई हर्ड द थंडर रंबलिंग इन द स्काई, कहता है डब्ल्यू एच ऑर्डन कहते हैं कि अचानक मैंने आसमान में एक रंबलिंग साउंड सुनी, एक खनखनाहट की, एक हैवी साउंड सुनी, जो रंबलिंग है, जो क्लैटरिंग साउंड है उसको सुना। इट वॉज हिटलर ओवर यूरोप सेइंग, और ये रेडियो के ऊपर जो है वो हिटलर खिताब कर रहा था, और यूरोप में, वो पूरे यूरोप में खिताब कर रहा था, और वो कह रहा था दे मस्ट डाई, जर्मन ज्यूज को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, वेयर एवर यू फाइंड जर्मन ज्यू यू मस्ट किल इट, इसको मार दो, जर्मन ज्यूज को मार दो। ओ वी वर इन हिज माइंड माई डियर, वी वर इन हिज माइंड, अगरचे ऑल दो वी हैव लेफ्ट जर्मनी एंड वी हैव माइग्रेटेड टू अमेरिका, बट वी आर स्टिल इन द माइंड ऑफ हिटलर, अभी भी हम हिटलर के जहन में हैं, वो हमारा अमेरिका में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, बल्कि अमेरिका में क्या, वो पूरे यूरोपियन कंट्री से खिताब कर रहे हैं कि जहाँ भी जर्मन ज्यू देखो इनको कत्ल कर दो। सा पूडल, पूडल, पी डब्ल्यू डी एल ई, पूडल एक स्मॉल
क्यूट डॉग है, ठीक है ना, स्मॉल क्यूट डॉग, एक छोटा सा डॉग होता है, बहुत ही क्यूट होता है। अमेरिकन जो है स्पेशली जो ख्वातीन है वो इसको रखती हैं। सा पूडल इन अ जैकेट फासनड, फासनड, फासनड का मतलब है टाइड, बांधी गई थी विद अ पिन। अच्छा, पूडल को क्या किया गया था, जर्मन जूज ये देख रहे हैं, डब्ल्यू जॉर्डन कहते हैं कि मैंने एक पूडल को देखा, एक छोटे से डॉग को देखा, उसको जैकेट पहनाई गई थी और जैकेट कहीं उतर ना जाए इस खौफ से उसको फासन विद द पिन, एक पिन के साथ बंधा हुआ था, यानी पिन अप की हुई थी जैकेट को, इतनी वो डॉग्स की लुक आफ्टर कर रहे थे। सा डोर ओपनड एंड अ कैट लेट इन, एक दरवाज़ा देखा खुला हुआ था और एक कैट जो है वो कभी अंदर कभी बाहर आज़ादी से मूव कर रही थी। बट दे वर नॉट जर्मन ज्यूज माई डियर, बट दे वर नॉट जर्मन ज्यूज, these are the most historical lines on American society. ये अमेरिकन मुआशरे के ऊपर एक बहुत ही सवालिया निशान है कि इवन द डॉग्स एंड कैट्स आर enjoying their lives in America, but humans like German Jews are not enjoying in America. They are being humiliated, उनको humiliate किया जा रहा है। दे आर नाट बींग रेकग्नाइज, उनको रेकग्नाइज नहीं किया जा रहा, और उनसे बेहतर फार बेटर जो हैं अमेरिका के अंदर वो कैट्स और डॉग्स हैं जिनकी इतनी देखभाल की जा रही है। बट दे वर नाट जर्मन ज्यूज माई डियर, दे वर नाट जर्मन ज्यूज, वो कैट्स और डॉग तो थे, अगर वो जर्मन ज्यूज होते तो फिर उनकी भी देखभाल ना की जाती, लेकिन वो कैट्स और डॉग्स थे, वो जर्मन ज्यूज से बेहतर थे, इसलिए उनकी जो देखभाल, वो इंसानों से बेहतर कह लें कि वो, इसलिए तो उनकी इतनी लुक आफ्टर की जा रही थी अमेरिका के अंदर। वेंट टू अ हार्बर, एक पोर्ट, हार्बर बंदरगाह, बंदरगाह पे गए, एंड स्टूड अपॉन द की, और एक की के ऊपर हम खड़े हो गए। स्टूडेंट, की एक ऐसी जगह होती है जो हार्बर से थोड़ी सी आगे ना, एक मतलब डोर होता है, एक डोर वे होता है, एक रास्ता होता है, वे होता है, डैट इज़ मेड ऑफ प्लैंक्स, जो कि फट्टू से बनाया गया होता है, और ये गहरे पानी तक जाता है, और इसके एंडिंग पॉइंट पे शिप जो होते हैं वो एंकर करते हैं, यानी वहाँ पे उनको शिप से सामान जो है ना वो लोड भी किया जाता है और डिसलोड भी किया जाता है, लोड और अनलोड भी किया जाता है, तो उसको की बोलते हैं। कहते हैं हम एक की पे खड़े हो गए। सादा फिश स्विमिंग एज इफ दे वर फ्री, और थोड़ी दूर हमने एक मछली को देखा, मछलियों को देखा, और वो आज़ादी से जो है वो स्विम कर रही थी। ओनली 10 feet अवे, सिर्फ 10 feet के फासले पर जो मछली थी, यानी इधर 10 feet हम, वी वर नॉट फ्री, बट उस तरफ जो फिश थी जो हमसे 10 फीट के फासले पर थी, देवर स्विमिंग फ्रीली, वो आज़ादी से तैर रही थी। ओनली 10 feet अवे, और ये सिर्फ 10 feet का फासला था, यानी जर्मन ज्यूज जो हैं वो आज़ाद घूम नहीं रहे थे, वो आज़ाद नहीं घूम सकते थे, लेकिन जो फिश हैं, जो एनिमल हैं, जो कैट्स हैं, जो बर्ड्स हैं, वो वहाँ पे आज़ादाना ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वॉक थ्रू अ वुड, फिर हम एक जंगल में चले गए। सा द बर्ड्स इन द ट्रीज, और दरख्तों पे बैठे हुए जो बर्ड्स हैं, परिंदों को देखा। दे हैड नो पॉलिटिशियन, उनके दरमियान कोई सियासतदान नहीं था, बर्ड्स में एनिमल्स में कोई पॉलिटिशियन नहीं होता, इसलिए तो वो खुशियां मनाते हैं। अगर उनके अंदर भी कोई पॉलिटिक्स आ जाए या पॉलिटिशियन पैदा हो जाए, तो डब्ल्यू एच ऑर्डन कहते हैं, और ये एक रियलिटी है कि अगर बर्ड्स और एनिमल्स के अंदर भी सियासत का अमल दखल हो जाए, तो फिर वो भी कभी खुशी के गीत नहीं गा सकेंगे, वो भी खुश नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो पॉलिटिक्स होते हैं, जो सियासत होती है, पॉलिटिक्स होती है, या जो पॉलिटिशियंस होते हैं, दे आर द बेसिक रीजंस इन क्रिएटिंग ह्यूमन मिजरी, इंसान की जो खस्ताहाली है, जो बदहाली है, उसको ये क्रिएट करते हैं, वो इंसान को इंसान से लड़ाते हैं, वो जंगों का बायस बन जाते हैं, और इंसान की तकलीफ, एक आम आदमी की जो तकलीफ और मुसीबतें हैं वो बढ़ जाती हैं। तो डब्ल्यू एच ऑर्डन कहता है कि जंगल में मैंने देखा बर्ड जो थे, देवर मैरी मेकिंग, देवर सिंगिंग, देवर विसलिंग, देवर चिरपिंग, दे हैड नो पॉलिटिशियन एंड सेंग एट देर ईज, उनके दरमियान कोई सियासतदान नहीं था,
और वो खुशियों के गीत गा रहे थे। दे वर नॉट ह्यूमन रेस माई डियर, वो इसलिए खुश थे कि वो ह्यूमन रेस नहीं थे, वो इंसान नहीं थे। अगर वो भी इंसान होते तो फिर वो कभी खुश ना होते। इसका मतलब है कि दुनिया में इंसान जो है उसको अ मैन हैज़ टू फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इंसान जो है वो ज़िंदगी से खुश नहीं है, इस दुनिया में खुश नहीं है। दे वर नॉट ह्यूमन रेस। ड्रीम्ड आई सॉ बिल्डिंग विद अ थाउजेंड फ्लोर, और ख्वाब में मैंने एक बिल्डिंग को देखा जिसकी हज़ार मंजिला थी। एंड थाउजेंड विंडोज़, और उसके हज़ार खिड़कियाँ थी, विंडोज़ थी। एंड अ थाउजेंड डोर्स, और उसके हज़ार दरवाजे थे। नॉट वन ऑफ देम वॉज आवर्स माई डियर, लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग, बट जर्मन ज्यूज वर नॉट अलाउड टू स्टे इन डैट बिल्डिंग, नॉट इवन अलाउड टू एंटर इन डैट बिल्डिंग। इतनी बड़ी बिल्डिंग, लेकिन जर्मन ज्यूज के लिए वहाँ पर जगह नहीं थी। नन ऑफ देम वॉज आवर्स माई डियर, नन ऑफ देम वॉज आवर्स, उनमें से एक भी जो कमरा है वो हमारे लिए नहीं था। वो जर्मन ज्यूज को उसके अंदर, जर्मन ज्यूज वर नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन अमेरिका, दे वर नॉट अलाउड टू स्टे इन अमेरिका। तो बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग, लेकिन जर्मन ज्यूज हैं उनको उनकी वहाँ रहने की जगह नहीं है। स्टूड, उसके बाद कहाँ जी, ये खुले मैदान में आ गए। स्टूड ऑन अ ग्रेट प्लेन, एक बहुत बड़ा मैदान था। इन द फॉलिंग स्नो, और बर्फबारी हो रही थी। स्नो वॉज फॉलिंग, इट वॉज अ वेरी वेरी बिग प्लेन एंड अ स्लो स्नो वॉज फॉलिंग, बर्फबारी हो रही थी। 10,000 सोल्जर्स, और 10,000 के करीब जो सिपाही थे, स्टूडेंट 10,000 के करीब जो सिपाही थे, जो फौजी थे, मार्च्ड MARCHED, मार्च्ड, मूव्ड, ठीक है ना। अच्छा, इसके आगे एक वर्ड है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब है हेयर एंड देयर, टू एंड फ्रो, FRO, ठीक है ना, मतलब हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर। दे वर मूविंग हेयर एंड देयर, दे वर मार्चिंग हेयर एंड देयर। वाई दे वर मार्चिंग हेयर एंड देयर, वाई दे वर मूविंग हेयर एंड देयर, दे वर इन सर्च ऑफ जर्मन ज्यूज, वो जर्मन ज्यूज की को तलाश कर रहे थे। देवर परसुइंग जर्मन ज्यूज, देवर आफ्टर द जर्मन ज्यूज, और जहाँ पे भी उनको जर्मन ज्यूज मिलता था, यहूदी मिलता था, उसको वो पकड़ के वापस उनके जो कैंप हैं वहाँ पे मतलब डिटेन कर देते थे। वहाँ पे उनको आज़ादी नहीं थी घूमने फिर, इवन के प्लेन्स के अंदर, मैदानों के अंदर भी जो जर्मनी के यहूदी थे जो अब अमेरिका में हैं, उनको मैदानों में भी घूमने की इजाज़त नहीं थी। 10,000 सोल्जर्स मार्च टू एंड फ्रो, वो आगे पीछे मूव कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। लुकिंग फॉर, लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है स्टूडेंट, लुकिंग फॉर, अच्छा लुकिंग फॉर फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है सर्च फॉर, सर्चिंग फॉर, यानी कि तलाश करना, तलाश। वो किसी और को तलाश नहीं कर रहे थे, दे वर लुकिंग फॉर जर्मन ज्यूज, वो जर्मन ज्यूज को तलाश कर रहे थे। दे वर लुकिंग फॉर जर्मन ज्यूज, लुकिंग फॉर यू एंड मी, और वो किसी और की तलाश नहीं कर रही थी, वो जर्मन ज्यूज की, यानी वो आपकी और मेरी तलाश कर रहे थे। WH ऑर्डन को ढूंढ रहे थे, वो जर्मन जो ज्यूज हैं, यहूदी हैं, उनकी तलाश कर रहे थे, और उन्होंने उनको फिर वहाँ से उठाना था, वहाँ से अरेस्ट करना था, और उनके कैंप्स के अंदर वापस उनको डिटेन कर देना था। तो स्टूडेंट, ये जो नज़म है, ये जो पोएम है, से दिस सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल, WH ऑर्डन की, इसमें जो जर्मनी के यहूदी थे उनकी जो खस्ता हाली है उसी को बयान किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको इस पोएम की समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।